महाराष्ट्र की आबादी कितनी है आपको पता है? महाराष्ट्र की आबादी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो आबादी, और महाराष्ट्र की चर्चा क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र की आबादी जो है वो बैठती है करीब 12 करोड़। और यूपी की आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, यानी 10 करोड़ ज्यादा उस महाराष्ट्र से जिस महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर हंगामा चल रहा है। जिस तरह से वहां अब भी यह विवाद चल रहा है उस तरह से यूपी में कहीं कुछ नहीं हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है महाराष्ट्र से कंपैरिजन कीजिएगा तो, देश के अलग अलग हिस्सों से भी कंपैरिजन कीजिएगा तो यूपी की आबादी सबसे कहीं ज्यादा निकलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में हंगामा हो गया किसी विवाद को लेकर, राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में चल ही रहा है, लेकिन यूपी में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ का साइलेंट बुलडोजर चल रहा है। साइलेंट, ये वो साइलेंट बुलडोजर है जिसके सामने धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, आवाज नीचे वो हिसाब चलता है, आवाज कम ही रहती है इस साइलेंट लाउडस्पीकर के सामने, साइलेंट बुलडोजर के सामने, माफ कीजिएगा। लाउडस्पीकर विवाद को अलग अलग सरकारें अपने तरीके से हैंडल कर रही हैं, और कैसा कर रही हैं आप देख रहे हैं। बवाल मचा हुआ है, लाउडस्पीकर से शोर का विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ और बाकी राज्यों में फैला, कहीं हनुमान चालीसा सामने बजानी पड़ रही है उसको हंगामा है, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी हो जा रही है, उसके पढ़ने की बात कहने पर गिरफ्तारी हो जा रही है, कहीं तो पत्थर चल जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए और सभी राज्य उसका पालन करें, यानी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और यह इस देश में नया प्रचलन है 2014 के बाद, सब नरेंद्र मोदी पर डाल दो। राजस्थान में हिंसा हो जाए तो अशोक गहलोत आए कहें कि नरेंद्र मोदी कहें तो लोग शांत हो जाएंगे। अरे आप क्या कर रहे हो, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि केंद्र कानून बनाए तो राज्य किस लिए है। दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल पेश किया उसे बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप सरकार, आप जो है केंद्र सरकार में है, आप कानून बना दीजिए, नहीं, हमको लोगों ने चुना है, हम तय करेंगे कि कैसे इसको संभालना है। अगर सब केंद्र से ही करना करवाना है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों चुने जाते हैं, राज्य की सरकारें किस लिए। यूपी में योगी मॉडल कैसे काम कर रहा है इसकी तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, पुलिस की अपील के बाद अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउडस्पीकर हटाए गए, किसी धर्म की विशेष की बात नहीं है। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर हट रहा है और मंदिर से भी हट रहा है, आवाज हर जगह नीचे कर दी गई है किसी को तकलीफ ना हो, और इस पर कोई हंगामा नहीं हो रहा, कहीं पत्थर नहीं चल रहा है, कहीं तमाशा नहीं है, कहीं तलवार नहीं है, कहीं बोतल नहीं फेंकी जा रही, कहीं पेट्रोल पंप नहीं चल रहा। योगी मॉडल एकदम हिट दिख रहा बॉस। ऐसी ही तस्वीर जौनपुर में भी देखने को मिली, वहां भी मंदिर और मस्जिद से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटा दिए गए। एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर हटाओ, चार चार किसके लिए लगाए भाई, हटाओ, ये मस्जिद पर से हट रही है लाउडस्पीकर, कोई हंगामा नहीं, लाउडस्पीकर हट रहा है और लोग जो लाउडस्पीकर लगा के चिल्लाते हैं मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे धर्म पर, कोई किसी का लाउडस्पीकर चल ही नहीं रहा, आवाज नीचे। सीतापुर में मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर हटाए गए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों को भरोसे में लिया, बातचीत की, तरीका निकाला, कहीं कोई हंगामा नहीं। यह है इस देश में वो उत्तर प्रदेश जिसकी कानून व्यवस्था पर कभी चर्चाएं होती थी कि कोई कानून व्यवस्था है या नहीं, आज उत्तर प्रदेश में यह हाल है, एक जगह हंगामा नहीं है, सब चल रहा है। गजब का मॉडल पेश किया हुआ है योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे को नोटिस दिया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज कम कीजिए, जितना बता रहे हैं उतने में रखिए, तो कोई कह नहीं सकता, वही हो वैसी ही, कैसे कहेंगे कि मुस्लिम टारगेट हो रहा है जब मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब पे चल बात हो रही है, कानून सबके लिए है, किसी का अपीजमेंट भी नहीं हो रहा कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो तो तुम कर लो। महाराष्ट्र जैसा हाल भी नहीं है कि धार्मिक सौहार्द के नाम पर कोई कह दे कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में कोई भजन नहीं बजेगा।
अजान के वक्त 15 मिनट तक कोई भजन नहीं बजेगा, हनुमान चालीसा नहीं बजेगी, ये सब नहीं चल रहा यूपी में। नियम चलता है बॉस वहां। मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी नियमों का पालन किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। मंदिरों में भी लाउडस्पीकर का वॉल्यूम नियमों के दायरे के अंदर ही है। सबसे पहले गोरखनाथ पीठ के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। गोरखनाथ पीठ जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, लीडिंग बाय एग्जांपल इसको कहते हैं कि खुद उस पीठ ने आवाज लाउडस्पीकर की कम कर दी कि किसी को परेशानी ना हो। तो कोई कैसे पलट के बोलेगा कि योगी जी आप कैसे ऐसा कर दिए, जब खुद ही वहां योग पीठ में हो रहा है। और योगी मॉडल का असर देखिए, असर यह है योगी मॉडल का, जिस उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे वहां आजकल योगी मॉडल चलता है। और यह योगी मॉडल देश भर में लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पे तो मुख्यमंत्रियों से हो नहीं पा रहा, संभल नहीं रहा है। 18,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई है, 18,000 लाउडस्पीकर जिनकी आवाज कम कर दी गई है। लेकिन आपने कहीं से आवाज सुनी कि भाई ये कैसे कर रहे हो, ये हम पर अत्याचार? कुछ नहीं। यूपी में आवाज लाउडस्पीकर की भी कम और लाउडस्पीकर बन के तमाशा करने वालों की भी कम। कई शहरों में मंदिर मस्जिद से एक्स्ट्रा लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। 125 से ज्यादा ऐसे लाउडस्पीकर हटाए गए जो बिना इजाजत के चल रहे थे। अभी आपको तस्वीर दिखाई ना। और ये कौन सा उत्तर प्रदेश आपको पता है? ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश है जो बड़ा धर्म के नाम पर सेंसिटिव है लोग यहां पर। लेकिन योगी मॉडल आप 2017 से अगर 2020 के बीच में देखेंगे, जो योगी मॉडल है वो योगी मॉडल क्या कहता है कि यूपी में दंगों के मामले 25% कम हुए हैं, 25% घट गए दंगे, जबकि देश भर में कितने घटे हैं? भारत के लिए, देश के लिए आंकड़ा है कि देश में 10% दंगे कम हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 25% कम हो गए, नेशनल एवरेज से ज्यादा। यह है योगी मॉडल जिसका असर दिख रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी का साफ निर्देश है, कोई दाहिने बाएं की बात नहीं, सीधा कि धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाएं। अवैध वाले लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी, मर्जी से टांग दिया चलेगा नहीं, टांगोगे तुमको टांग देंगे कानूनी हिसाब से। लाउडस्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, आवाज से बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, नई जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है। पुराना लगाए हो, नियम के हिसाब से लगाए हो तो चल जाएगा, और चलेगा इस हिसाब से कि दूसरे को चलना चाहिए, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह है योगी मॉडल। अहम बात यह है कि यह आदेश हर धर्म समुदाय के लिए क्लियर है। इन निर्देशों को लागू करने में मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा देखा ही नहीं गया। यूपी में कैसे लाउडस्पीकर विवाद को हावी नहीं होने दिया गया उसका उदाहरण आप गौतम बुद्ध नगर जिले के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने धार्मिक स्थल और मैरिज होम में बजने वाले लाउडस्पीकर और डीजे के संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए। और वो निर्देश क्या कहते हैं कि 621 मंदिरों में से 602 मंदिरों को नोटिस दिया गया, 268 मस्जिद में से 265 को नोटिस दिया गया, 16 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया, 217 बारात घर को भी नोटिस चला गया। यह मत सोचिएगा कि सिर्फ भजन कीर्तन और अजान से लोगों को दिक्कत होती थी इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। वो जो लोग रात में डीजे बजा के नाचते हैं कि अरे भैया थोड़ा एक गाना और बजा दो, और दूसरा जो है वो सोच रहा होता है कि कब ये बंद हो और मैं सोऊं, सबको नोटिस, बारात घर को भी नोटिस। 182 में से 175 डीजे संचालकों को नोटिस दिया गया, सभी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए निर्देशों का पालन करने के लिए कह दिया गया है कि मानो और ये मानना होगा। नोटिस में ये भी साफ साफ कह दिया गया है कि निर्देशों का पालन नहीं होगा तो फिर कार्रवाई होगी, समझ लो।